तो जब आप अराइवल्स पर आते हैं ना, तो आपको एक $15 का वीज़ा मिलता है जो कि, और वो मैंने ले लिया है सिनाम जिसका तो आप। सो गाइस, हम इजिप्ट पहुँच चुके हैं और कायरो एयरपोर्ट क्वाइट सिमिलर टू लाहौर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ीशान खुर्रम और आप देख रहे हैं द ग्रैम फैमिली को ओनली ऑन यूट्यूब। कहाँ गायब था मैं, क्यों था मैं गायब और क्या वजह हुई, बताऊँगा मैं आपको सब इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जा रहा हूँ जी एक ट्रिप पर और मैंने सारे कपड़े अपने बिछा दिए हैं। मेरी बेगम करने लगे मेरे लिए पैकिंग और मैं जाऊँगा काम पे। काम से आते ही मैंने खुद बैग को ज़िप अप किया ताकि ऐसे लगे मैंने पैकिंग की है, पर अब चलते हैं जी। सो गाइस, मुझे लेने आ गया मेरा दोस्त, सामान हमने रख लिया। नाउ वी आर ऑफ। हमजा साहब मुझे छोड़ने जा रहे हैं और मेरे साथ भी जा रहे हैं। एंड वी स्टॉप एट अ पान शॉप, इट्स अ वेरी पाकिस्तानी थिंग। ये तो आ जाए भाई, तो ये मेरे साथ जा रहे हैं। सो गाइस, आई एम इन लाहौर एयरपोर्ट और आपको पता लगा होगा पीछे जल गया था, बट सो फार अभी तक ऐसे लग नहीं रहा, सब कुछ क्लियर लग रहा है। गाइस, कल की मेरी फ़्लाइट थी, मैंने चेक इन करके अब मैं ऊपर आ गया और फजर का टाइम हो गया था। सो मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ने, जुमे का दिन था और टाइम भी काफ़ी था। सो फजर की नमाज़ अदा करके उसके बाद मैंने अपने फ़ोन के ऊपर ऐप खोली मुस्लिम प्रो की और उसके ऊपर मैंने सूरह काफ पढ़ ली बैठ के। इस तरह मेरा दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हो गया। So let's start from the start. Basically, I started making content, different mein videos bana raha tha, cheezein kar raha tha. But I realized that I don't want to be a YouTuber ya phir a family vlogger, aur main apni daily life nahi share kar sakta. I don't know why, but main nahi kar sakta bhai, privacy chahiye thodi si. So we decided that we'll just stop, aur phir humne bilkul stop kar diya. Agar aap jaake piche dekhen to last video Ramzan mein aayi thi. So uske baad I thought ki yaar, what do I like? I enjoy traveling, I enjoy talking about business. So you know, I decided that I'll do travel and different vlogs. So finally I'm traveling, so this time I thought yaar vlog banaya jaye, aur main itna regular travel nahi karta, so I'm not even a travel vlogger. I am a very vela kisam ka bar bar kafi der ke baad aane wala vlogger. So I'm not a regular vlogger, I don't even want to call myself a vlogger, YouTuber, but I'm trying my best to create some wholesome videos that you'll enjoy. So abhi I'm in Lahore airport aur iska lounge bada bakwas hai. Chalte hain ji lounge ke andar aur dekhte hain wahan par kya kya hai khane ke liye. So guys, CIP lounge Lahore ke andar is very average, so I wouldn't recommend paying for it, but kyunki mere bank card ke upar free tha to maine kaha bhai chalte hain. Enter hone se pehle maine burai kar di aur ab mujhe darwaza bhi nahi khul raha hai, bar bar check karu pendu logo ki tarah, but trust me ye mera pehla visit nahi tha CIP lounge mein, pehle bhi aaya hu. So maine ek cool shot li jahan par main chal ke aa raha hu CIP lounge mein, to baith ke fir socha ji khane ke liye check kare khane mein kya kya hai. Guys, please ignore my bad camera skills. So yahan par bahut kuch tha, vegetable rolls the, buns the, sandwiches the, cakes the, bahut kuch, aur maine थोड़ी बहुत चीज़ें डाली और मैं इनका टेस्ट चेक करते हैं, पर क्योंकि हमें सियालकोट में बेकरीज़ की बुरी आदत है तो कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर मैंने सोचा जी कि पढ़ा लिखा लगने के लिए कोई अखबार पढ़ लेते हैं अच्छी सी, क्योंकि टाइम तो पास करना है। सो आई गॉट ट्रिब्यून एंड खबरें तो कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब अखबार ले ली थी तो मैंने कहा अंकल वाली फीलिंग पूरी करें, तो मैंने सोचा चाय का कप बनाते हैं। टपाल का टी बैग लिया, उसमें डाला दूध और पानी डाल के चाय बनाई। कोई खास चाय बनी नहीं थी क्योंकि मैं अपनी चाय कभी भी खुद नहीं बनाता। खैर, अब गुजारा तो करना था, तो फिर बैठ के चाय पी और कॉल की अपनी बहन को इन अमेरिका ना टोल रहे कि भाई मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो वो ज़रा सरप्राइज होगी। और फिर मैंने थोड़ी सी और टी स्पिल की और फिर मैं निकल पड़ा जी अपने ट्रिप पर। जब यहाँ पर इस तरह बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता होता है यार अब आप अपने मुल्क से बाहर जा रहे हो और इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। और ये मेरा फेवरेट वॉकवे है, जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही मजा आता है, दिली सुकून पहुंचता है। PIA का जहाज देख के भी खुशी हो रही थी, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई वुडंट ट्रैवल ऑन PIA। और ये था जी गल्फ का जहाज, जिसके अंदर 3 घंटे में हम पहुंच गए अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। खाना अच्छा था बट एंटरटेनमेंट नहीं थी, सो ज्यादा मैं सोया। और बाहर निकलते सार एमिरेट्स का जहाज देखा तो एहसास हुआ कि एमिरेट्स का इतना नाम क्यों है और मैं एमिरेट्स पे क्यों नहीं गया, ये मुझे जरा थोड़ा सा दुख हुआ है। चलते हैं अपनी बस के अंदर, और जिस तरह पायलट स्पीड में निकल रहे उसी तरह ही हमारा भी दिल करता है कि अराइवल्स की तरफ हम स्पीड में जाएं, क्योंकि फ्लाइट से तो आगे थे जी हम तंग। गाइस, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इतनी कोई बुराइयां नहीं करना चाहता, सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना भी अच्छा था, बट कोई एयरलाइन मुझे इतनी खास नहीं लगी। फिर भी गल्फ इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ बहरीन, सो वेलकम टू बहरीन गाइस। ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है बहरीन, मैं पहले भी आया हूँ, बट लेट्स सी मैं अपने स्टॉप ओवर के अंदर क्या क्या कवर कर सकता हूँ। सो गाइस, आई बुक्ड दिस हेलो बहरीन फ्री टो, और क्योंकि मेरी फ्लाइट पहुँची 8:30 बजे और ये 9 बजे स्टार्ट होता था, सो आई जस्ट मिस्ड इट। 2 मिनट पहले ये निकला और ये इनका डेस्क है, इट्स क्लोज नाउ। सो हम चलते हैं जी अराइवल्स पे, हम बाहर निकलते हैं, टैक्सी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो गाइस,
ऑन द स्पॉट वीज़ा मिलता है आपको ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर। तो जब आप अराइवल्स पर आते हैं ना तो आपको एक $15 का वीज़ा मिलता है, क्योंकि इस पेपर ये पेपर है और वो मैंने ले लिया है, सो नाउ आई एम जस्ट गोना गो आउट। बिल्कुल सामने है जी अल बेक, सबसे फेमस हो गया अगर लोग आते हैं बड़े शौक से। आई डोंट नो, सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई लव, बट तो सबसे पहले मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई और $100 के बदले मुझे कुछ खास मिला नहीं। इन सिक्कों की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन बहरीन, क्योंकि बहरीनी दिनार इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। पैसे ले लिए, उसके बाद मैं सीधा गया जी अल्पेक, वहाँ से मैंने बारबेक्यू थाइस चिकन बर्गर लिया उनका, जो कि काफ़ी जूसी था, उसमें चिकन का पीस भी काफ़ी बड़ा था। ये देखें जी, इसमें काफ़ी चीज़ भी लगा हुआ है और बारबेक्यू सॉस भी लगी हुई है और साथ फ्राइज थे एंड दे ओनली हैड पेप्सी, सो मैंने फिर वही मील के साथ ली थी। अदरवाइज़ आई फील कि उनको भी बॉयकॉट करना चाहिए था, यार ये बर्गर बहुत ही ऑसम है, मुझे खा के बड़ा मज़ा आया था, आई रियली लाइक इट। सो इफ़ यू हैव अल्बेक इन योर टाउन, गो एंड ट्राई दिस, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। खाना खा के अपना गंद हमेशा फेंकें, सिर्फ अपने मुल्क को नहीं बाकी पूरी दुनिया को भी साफ रखें। बाहर जाने का टाइम आ गया था और यहाँ पर ऊबर की सर्विसेज अवेलेबल हैं, सो आप करीम या ऊबर बुक कर सकते हैं और मैंने वही किया और इट वाज प्रीटी इजी। आराम से इसको बुक करें और फिर यहाँ पर ये साइन देखें और वॉक करके बाहर चले जाएँ ऊबर वाली जगह पर। वही सर, मैं बाहर आ गया हूँ और मैं अपनी ऊबर का वेट कर रहा हूँ और बाहर गर्मी है पर मज़ेदार है, क्योंकि अंदर एसी में कितनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि आउटसाइड इज मच 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 बेटर। I think my Uber is here. Hi. Hi. It's Zeeshan. Zeeshan? Yeah. Okay, I'll just sit in the back. गाइस, मेरा टॉक्सिक ट्रेट ये है कि मैं जब भी टैक्सी में बैठता हूँ मैं टैक्सी ड्राइवर का पूरा इंटरव्यू ले लेता हूँ। फ्राइडे को रश होता है यहाँ पर? हाँ, फ्राइडे से अभी नहीं, ये 1 बजे के बाद रश है। 1 बजे के बाद? जुमा के बाद। ठीक हो गया। और आप कहाँ से हैं? इंडिया। इंडिया से? इंडिया में कहाँ से? केरला। केरला। कितनी देर होगी बहरीन में? 24 ईयर हो गए। और कैसा है, अच्छा है? केरला में क्या जुबान बोलते हैं आप? केरला में लैंग्वेज क्या बोलते हैं? मलयालम। मलयालम। हिंदी यहाँ पर आके सीखी है? ए, इधर का। अच्छा। सो आई हैव बीन टू बहरीन बिफोर एंड लास्ट टाइम आई स्टेड इन मनामा और अभी हम जाने लगे हैं जी फतेह मॉस्क, आपको मिलेंगे वहाँ पे जाके। सो गाइस, ये मेरे पीछे है जी इनकी नेशनल लाइब्रेरी, दैट ह्यूज बिल्डिंग, एंड ये सामने है जी फतेह मॉस्क। सो मैं काफ़ी अर्ली आ गया हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोना गो इनसाइड, सी जो सारी मस्जिद है उसको, और फिर उसके बाद बैठेंगे। वैसे जुमे का टाइम हो जाएगा होपफुली बाय 12, तो फिर जुमा पढ़ेंगे और फिर जाएंगे सिटी सेंटर वगैरह की तरफ। बट चेक दिस आउट, एक टाइम था दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन बहरीन एंड द वर्ल्ड। काफ़ी लोग आप देख सकते हैं वहाँ पर आ रहे हैं, प्रॉब्ली जुमे के लिए आ रहे होंगे। सो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ना ओएसएस मॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी गुजरते हुए देख रहा था वहाँ पर। आई होप दैट यू कैन सी, वो सामने जो शॉप्स है सारी दस ओएसएस मॉल। वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं सिटी सेंटर जाऊंगा, बट आई फील कि सामने ही है तो मस्जिद से फारिग होकर वहीं पर चले जाएंगे और देख लेंगे। आई नीड टू गेट सम शूज़, मेरे शूज़ ख़राब हो गए हैं जी, ऐसे भी होता है। तो गाइस, मस्जिद के साइड पे बाथरूम और वजू खाना बना हुआ था, तो वहाँ पर बेसमेंट में जाके मैंने वजू किया और वजू करके मस्जिद में आ गया। What time is the Juma prayer? 11:56, hello. So guys, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। आई एम श्योर के जो सारे आप लैम्प्स पीछे देख रहे हैं, बड़े लाइट्स जो हैं ये जब ऑन होती होंगी रात के वक्त ये और भी बहुत खूबसूरत लगती होगी। मैं आपको डोनेशन का एक और तरीका बताता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यू नो आप बाय कार्ड यू कैन डोनेट। बट लेट्स गो इनसाइड द मॉस्क। Oh.
नमाज़ पढ़ ली है नाउ आई एम गोइंग गो टू द मॉल जो कि ऑपोजिट है बिल्कुल और एक आइसक्रीम की वैन नज़र आ रही है सामने थैंक यू तो गाइज मैं मस्जिद के बिल्कुल सामने वाले मॉल की तरफ आ गया हूँ आई एम गोइंग टू क्रॉस द रोड एंड गो इनसाइड आइसक्रीम जितनी अच्छी लग रही थी उतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे समझ नहीं आती मैं किसको दूँ यहाँ पर आई थिंक इट्स फ्राइडे इस वजह से भी ये काफ़ी खाली खाली से और अभी से जुमा हुआ है इसलिए आई जस्ट हैव अ लुक अराउंड एंड देन आई गो बैक टू एयरपोर्ट टू गेट द फ्लाइट कैच करनी है सो मिलते हैं वहाँ पर सो इसके बाद एक ड्राइवर ने रेकमेंड किया ड्रैगन मार्ट जहाँ पर मैं गया और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा सो आई वुडंट रेकमेंड दैट और बहुत से बीचेस हैं यहाँ पर आप वो जाके एंजॉय करें बहुत से मॉल्स हैं डिजर्ट्स एंजॉय करें बहुत ही और अच्छी चीज़ें हैं तो डू नॉट गो टू ड्रैगन मार्ट गाइस अब हम पहुँच गए हैं जी एयरपोर्ट अब मैं अंदर जाने लगा हूँ क्योंकि बोर्डिंग इज ऑलमोस्ट गोइंग टू स्टार्ट सो आई शुड बी रनिंग फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट के अंदर बहरीन एयरपोर्ट इज़ क्वाइट कूल जिस तरह के बाकी अरब कंट्रीज़ के हैं कह लेंगे दुबई वगैरह इस तरह सो इट्स वेरी सिमिलर ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर बट इट्स स्टिल वेरी नाइस सो मैंने लास्ट में छोड़ दिया था कि भाई मैं पहुँच जाऊँगा बट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है आई एम रनिंग लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरी पहली फ़्लाइट का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा था वो गल्फ एयरलाइन सो मैंने सोचा था मैं आपको आराम से बैठ के एक अगली वीडियो में बताऊंगा पर मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं कि गल्फ एयरलाइन के अंदर मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया द होल एक्सपीरियंस पूरा तो ओके बट देन अगेन एक्सपीरियंस लेट्स जस्ट होप कि ये वाली एयरलाइन अच्छी हो so, मुझे लगा था कि मुझे मिलने लगी अच्छी इजिप्ट एयर या कोई सिमिलर एयरलाइन But I didn't know कि उसका कोड शेयर था विद गल्फ एयर सो आई एम बैक इन गल्फ एयर अगेन बट कुछ नहीं होता यार इस बार स्क्रीन लगी हुई हैं सो ये भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब आप जहाज़ रनवे पे जा रहा हो सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन सो गाइज मैं तारीफ करना चाहते हैं कि खाने की इनका खाना ये वाला बहुत ही अच्छा था मीट बॉल्स विद राइस एंड सैलड भी अच्छी थी एंड द डिज़र्ट वॉज अमेजिंग पता नहीं खीर थी चीज़ स्टाइल चीज़ थी बट बहुत ही अच्छी थी सो गाइस हम ये पहुँच चुके हैं और कायरो एयरपोर्ट की है जो है फर्स्ट लुक या फर्स्ट मेरा जो रिव्यू होगा इट्स क्वाइट सिमिलर टू लाहौर ऑब्वियसली लॉट बिगर और ये नहीं है अरब कंट्रीज़ के बाकी एयरपोर्ट्स हैं ना उनकी जाना है लेट्स सी मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट करना मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया हुआ तो देखते हैं उस पर क्या अपडेट है और लेट्स जस्ट होप कि मुझे वीज़ा दे दें और जाने दें ये ना हो कहेंगे यहाँ पर रुक जाओ बैंक ऑफ इजिप्ट का डेस्क है जहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से आपको अराइवल पे स्टिकर मिल जाएगा सो लेट्स सी यहाँ से मिलता है कि नहीं बुरी हालत है फ्लाइट का बोर्ड जाके इजिप्ट एयरपोर्ट पे आपको एक पिरामिड्स और एक स्टैचू वेलकम करेगा जिसके अराउंड पूरी दुनिया के फ्लैग्स लगे हुए हैं सो इनके साथ मैं भी आपको कहता हूँ जी वेलकम टू इजिप्ट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री सो मैं और मेरा टूर गाइड आपको लेके जाएंगे इजिप्ट के अंदर कायरो में और हम आपको दिखाएंगे आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या खा सकते हैं सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड वॉच ऑल द व्लॉग्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ पैसे एक्सचेंज करा लिए हैं मुझे लगता है मुझे सिर्फ 200 की ट्राई किया था थूक लगाने की बट आई काउंट इट अगेन एंड अगेन मेरा तो काम ही यही है सो वो मैंने इसका निकाल लिया था हल नाउ वी जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द कार एंड देन होटल इंशाल्लाह दिस इज द कार मेरे अकेले के लिए ओके थैंक यू सो अब हम जाने लगे हैं होटल और मिलते हैं होटल जाके आपको